दिल्ली में शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सक्रियता को देखते हुए मैंने ये बड़ा फैसला किया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अटकलों के मुताबिक ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सबने तालियां बजाकर की मान लिया है, स्वीकार किया है। नीतीश ने भी पार्टी नेताओं की भावना के मुताबिक अध्यक्ष पद की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली है। नीतीश इससे पहले 2016 से लेकर 2020 तक जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बाद आरसीपी सिंह और आरसीपी की बगावत के बाद ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष बने थे।